के अंत में भी फ्लैश होती है और बीच में भी हम अपने दर्शकों को इस ईमेल आईडी के बारे में बताते हैं। एक बार पुनः आपको नोट करा दूं, connectingminds@gmail.com। जी एक एसएमएस हमें और मिला है, ये आया है तृप्ति भार्गव, ये दिल्ली से एसएमएस भेजा है 1134 इनका लास्ट डिजिट है। ये पूछना चाहती है कि सोनिया गांधी जो साड़ी पहनती हैं वो इंदिरा गांधी के स्टाइल में पहनती हैं, तो उनका जो रुचि है, उनका जो स्वभाव है, ये एक पश्चिम देश में पैदा होने के बाद जो भारतीयता में रच बस गई, ये जो परिवर्तन आया है, इसके पीछे कौन से ग्रहों का योगदान है? तृप्ति भार्गव फ्रॉम दिल्ली। भाई इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते जी, जी, मगर हम ये कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप के हिसाब से आई डोंट नो, आई मीन एस्ट्रोलॉजिकली जो लाइट येलो लेमन कलर्स, लाइट येलो लाइट मेरून, लाल का जो एक दूसरा मेरून कलर की लाइट शेड्स, इनको अच्छे लगेंगे। कोई मून के सामने में मार्स है और मार्स जुपिटर के घर में है तो मार्स लाल होता है, जुपिटर का प्रभाव है मेरून, तो लाइट मेरून कलर्स ऑफ वेरियस शेड्स पसंद भी आएंगे और इनके लिए अच्छा भी होगा, इनके लिए अच्छा भी अच्छा होगा। इनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या प्रेडिक्शंस आपकी रहती हैं? इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? किसी तरह की कोई खास एहतियात इनको बरतनी चाहिए? स्वास्थ्य में जो इनका मेजर जो प्लैनेट अफ्लिक्टेड है वो है मरकुरी। मरकुरी इज लंग्स, स्किन, लंग्स दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जी जी जी। मून अफ्लिक्टेड है, मरकुरी अफ्लिक्टेड है, मून और मरकुरी अफ्लिक्टेड है, तो समथिंग टू डू विद ब्रीदिंग थिंग्स टू दैट इफेक्ट, वन शुड बी केयरफुल, शी शुड बी केयरफुल। डॉक्टर पिछली बार का अगर हम देखें, जब पिछली बार चुनाव के बाद लोकसभा निर्वाचन के बाद जो स्थिति बनी, उसमें कमोबेश अगर देश में कोई और राजनीतिज्ञ होता या दुनिया में भी राजनीति का ऐसा इतिहास रहा है कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इस तरह की स्थिति कम लोगों की बनती है। हम उसको राजनीतिक ढंग से ना देखें, एक व्यक्ति के तौर पर अगर देखें, तो एक व्यक्ति को अगर कोई जो राजनीति से ही ताल्लुक रखता है और उसको कोई एक पद मिलता है लेकिन फिर भी उसको बड़ी विनम्रता से वो छोड़ देती हैं, तो ये जो बड़प्पन पैदा होता है या एक त्याग पैदा होता है, भले ही वो किसी भी परिस्थितियों के नाते हुआ हो, उसके पीछे कौन सा ऐसा ग्रह है जो ऐसे मन को बनाता है, ऐसी विचारधारा को बना देता है कि आदमी को लगता है कि नहीं, जो मूल्य हैं, जो चीजें हैं वो पहले हैं और जो हमारी पार्टी में बड़े कद्दावर और योग्य लोग हैं उनको पहली पंक्ति में आना चाहिए और हम फिर पीछे से कुछ अगर सहयोग कर सकेंगे तो करेंगे। देखिए आपका जवाब मैं दो भागों में दूंगा। एक तो है कि आप कह रहे हैं कि परिस्थिति बनती है जी। कुछ लोग परिस्थिति बनती है और परिस्थिति से जूझते हैं जी। कुछ लोग पाकिस्तान में मार्शल रूल लगा देते हैं और टाइप के रूल्स लगा लेते हैं कि परिस्थिति बनी मगर हम परिस्थिति के ऊपर जाकर हमें वो जो चाहिए हम उसी पर बैठेंगे, हम बैठेंगे बिल्कुल, है ना। तो वो शायद हर मानव में है और शायद इनके हॉरोस्कोप से देखते हुए इनके भी श्रीमती सोनिया गांधी के हॉरोस्कोप में भी है, मगर केतु के होने के कारण एक आदमी सोच के विचार के इंटेलिजेंटली अपना एक वर्चस्व व्यक्तित्व करके सैक्रिफाइस करके अलग होकर आगे बढ़ता है। तो ये दो चीजें मैंने जवाब दे दिया है जी, तो ये इस तरह का एक बनता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक ख्वाहिश नहीं है जी, जी। मगर परिस्थितियों को लड़ना, उस पर जूझना, उसको बॉक्स करना शायद इनकी प्रकृति में नहीं है, क्योंकि केतु पांचवें घर में का बहुत बड़ा योगदान होता है मगर राहु भी ग्यारहवें घर में, तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब एक नहीं है। मगर परिस्थिति को हैंडल करने का तरीका एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है, क्योंकि मरकुरी केतु जब साथ होता है तो आदमी को एक जैसे कहते हैं मैथमेटिशियन बना देता है, कैलकुलेशन के साथ आदमी चलता है। डॉक्टर शंकर डावल जी कहते हैं कि बुध और केतु की जो युति है वो व्यक्ति को बहुत ही विवेकपूर्ण बनाती है और बहुत सोच समझकर व्यक्ति आगे चलता है, जिसने सोनिया गांधी में इतनी धीरता और विवेक को पैदा किया है और उसी हिसाब से वो निर्णय लेती है, लेकिन जहां तक ख्वाहिश की बात है वो उनमें भी रहेगी बाकी इंसानों की तरह। और किसी ने कहा भी है कि सांसों की सीमा अनिश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है और जिसको कोई चाह नहीं हो ऐसा कोई संत नहीं है। एक मित्र और हमारे साथ जुड़े हैं चंद्र प्रकाश उत्तराखंड से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी नमस्कार जी, अपना जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी 25/9/61 25 सितंबर। हाँ जी 25 सितंबर 1961। हाँ जी, समय बताइए। समय 9:30 रात का, 9:30 PM 25th of September 1961 9:30 PM। कहाँ पर जन्म हुआ आपका चंद्र प्रकाश जी? ये दिल्ली में हुआ जी, दिल्ली में जन्मे हैं। 25 सितंबर 1961 9:30 PM दिल्ली में जन्म हुआ है, उत्तराखंड से हमें फोन कर रहे हैं। सवाल पूछिए।
मेरा जो काम नहीं चलता बिल्कुल, दुकान है ना मेरी बिल्कुल नहीं चलती, मैं बहुत परेशान। किस चीज की दुकान आप करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर है आपकी दुकान? ये केदारनाथ जाते हैं आप कभी? जी उस तरफ है, केदारनाथ मार्ग पर। किस जगह पैदा? किस जगह पैदा हुए? दिल्ली में। चंद्र प्रकाश है। 25 सितंबर 1961 9:30 PM। मतलब क्या हुआ आपका 21 हो गया? जी जी जी, 21:30 रात्रि दिल्ली में। और कहते हैं कि दुकान नहीं चलता है, काम से संतुष्ट नहीं है। केदारनाथ मार्ग पर इनकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और सेटिस्फाई नहीं है अपने जॉब से। आपका परामर्श चाहते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी स्थिति जिस वजह से ये संघर्ष है? देखिए, एक चीज तो ये है कि ये स्पेकुलेशन ना करें, ये ऐसा ना करें कि भाई माल में ले लेता हूँ, ये रख लूँ, वो रख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ज्यादा मतलब गले में पैसा है तो काम करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पांचवें घर में मर्कुरी रेट्रोगेट है, मार्स के साथ है, सूर्य के साथ है, तो कभी भी बहुत ज्यादा प्लानिंग ना करें, रिस्क ना लें, अच्छा रहेगा। जहां तक पत्री है इनकी अच्छी है, और ढाई ये आपके एक दो, और जब शनि यहाँ पहुंचेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 साल अभी 5 साल स्ट्रगल करेंगे ये, मगर 5 साल बाद अगर हमारा इनका संपर्क रहेगा तो ये बताएंगे ये कितना अच्छे मतलब स्थिति में पहुंच जाएंगे। मगर 5 साल तक इनको स्ट्रगल करना है, मगर इस साल जो है वो बेहतर साल है। 5 साल तक स्ट्रगल है जिस जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं, और 5 साल के बाद बहुत अच्छा है, इनकी पत्री बहुत अच्छी है। चंद्र प्रकाश जी, अच्छी खबर ये है कि आपकी जन्म कुंडली बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। 5 साल लगेंगे आपके सपने पूरे होने में। ये साल थोड़ा संघर्ष का है, और किसी भी तरह के रिस्क से बचें। अपनी जो पैसा गांठ का और विद्या कंठ की, जितना पैसा पास में है उसी का सदुपयोग, और दूसरों के कहने में ना आए, चंद्रमा दूसरों के कहने में ना आए। चंद्रमा लोन है तो ये दूसरे लोग जो बोलेंगे बस उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दे। दूसरे लोग जो कहेंगे उनकी थोड़ी कम सुनिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। मित्रों, आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। या तो पूछिए सवाल टेलीफोन के द्वारा, या कीजिए एसएमएस। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपने जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि। अभी भेजिए 57575 पर अपने सवाल के साथ। मित्रों, हम आपको और बता दें कि आज हम एक चर्चा करेंगे एरीज के बारे में, जो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच जन्म है। ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा? जो भी एरीज जोडियक साइन के अंतर्गत आते हैं, ब्रेक के बाद उनके बारे में जानेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप सभी देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में ज्योतिष विज्ञान का क्या दखल है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगा सकते हैं। तरीका वही है, हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम। तत्काल भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं। कुछ लोग राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमें एसएमएस भेजे हैं। एक इसमें मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, लिखा है कि हमारा नाम ना लिखा जाए। वो जानना चाहते हैं कि बहन मायावती जी के बारे में आप कब चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनके बारे में बात कर लेंगे कि अगली बारी मैं देखूंगा उनका कम से कम डिटेल, टाइम ना हो मगर महीना। और वो मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपका नाम तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बहन मायावती जी की जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान हमें उपलब्ध कराइए। हालांकि हमारे पास है अर्कायु में, लेकिन फिर भी हमें अगर सही मिल सके तो और भी ज्यादा उचित होगा। और अगले एपिसोड में हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे बहन मायावती जी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। एक एसएमएस और हमें भी मिला है। नाम है संतोष कुमार, इनका लास्ट डिजिट है 6197, इनकी जन्मतिथि 28th of October 1985। 28th of October 1985, 6 AM, फतेहगढ़ लखनऊ के पास, फतेहगढ़ में जन्म हुआ है इनका।